तारिक अनवर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीए एनआरसी के खिलाफ एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया आप लोगों ने। जैसा कि आप लोगों ने कहा कि पेटेंटली ही ये कानून जो है असंवैधानिक है, तो पूरा विपक्ष सड़कों पे एक साथ एकजुट कहीं नहीं दिखा इसके विरोध में, ऐसा क्यों? क्या आप मानते हैं कि अभी भी राजनीति हो रही है, जैसा कुछ राज्यों में चुनाव भी है? देखिए, हम लोगों ने तो अपील सभी से किया है। कांग्रेस पार्टी की कोशिश हमेशा यही रहती है कि तमाम विपक्ष को साथ लेकर चला जाए, और हो सकता है कि कुछ लोग अभी भी भ्रमित हों, लेकिन आने वाले समय में हमको लगता है जिस तरह से धीरे धीरे सभी राज्यों के अंदर इसका विरोध हो रहा है और तमाम समुदाय की ओर से विरोध हो रहा है, तो ये एक अच्छी बात है, एक अच्छा संकेत है। और हमको लगता है कि तमाम राजनीतिक दलों को, जो लोगों ने इसके पक्ष में भी वोट डाला है, उनको भी दोबारा विचार करना पड़ेगा। तमाम देशों में देखा जा रहा है कि महिलाएं सड़कों पर उतरी है, यह आंदोलन एक नागरिक आंदोलन है, और राजनीतिक दल ये कह रहे हैं कि बहुत खतरनाक कानून है, तो राजनीतिक दल बड़े पैमाने पर किसी भी इस नागरिक आंदोलन में कहीं नहीं दिख रहे हैं, ऐसा क्यों? नहीं, देखिए, समर्थन तो है ही है, और ये आंदोलन अच्छी बात यह है कि ये जन आंदोलन है, जनता इसका की अगुवाई कर रही है, कोई राजनीतिक दल नहीं कर रहा है। पहले ही से भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार आरोप लगा रही है कि ये कांग्रेस के द्वारा प्रायोजित है, उनके द्वारा बनाया हुआ ये आंदोलन है, लेकिन हकीकत ये नहीं, ये जन आंदोलन है, और इसीलिए आप देख रहे हैं कि समाज का हर वर्ग खड़ा हो चुका है। सर, अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है, चुकी अब सुप्रीम कोर्ट पे फैसला आएगा, इसको लेके बहुत सारी पिटीशंस पड़ गई हैं, क्या अगला कदम क्या होगा कांग्रेस का, अगला कदम क्या होगा, किस तैयारी में है कांग्रेस? नहीं, देखिए, हम लोग का पूरा विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट पूरी गहराई से इस बात को देखेगी, जो संवैधानिक प्रावधान है, जो हमारे संविधान की मूल भावना है, उसका वो ध्यान रखेगी और इस बिल को एक प्रकार से गैर संवैधानिक घोषित करेगी। विधानसभा में जिस तरह से इस कानून के खिलाफ जो है विधेयक पारित किया गया, क्या लगता है कांग्रेस शासित और राज्यों में भी ये कदम उठाया जाएगा? बिल्कुल, देखिए, हर राज्य ऐसे स्वतंत्र है अपना फैसला लेने के लिए, लेकिन धीरे धीरे ये पूरे देश में ये माहौल बन रहा है, और जिस तरह से पंजाब ने, केरला ने एक फैसला लिया है वहाँ की विधानसभा ने, हमें लगता है कि आने वाले समय में बहुत सारे राज्य इसी तरह का फैसला लेंगे। यानी आने वाले समय में बहुत सारे राज्य जो है इस कानून के खिलाफ विधेयक पारित करके एक नए जंग की तैयारी करेंगे, और कांग्रेस को ये उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से एक बेहतर फैसला आने की उम्मीद है, जिससे ये काला कानून समाप्त हो जाएगा और अब देश भर में इसके खिलाफ लोग जागरूक होने लगे हैं और सड़कों पर उतरने लगे हैं। कैमरामैन सुमंत कुमार के साथ इमरान खान, स्वराज एक्सप्रेस।